इंडिजीन लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जिसके आईपीओ में आप 6 मई से लेकर 8 मई के बीच में अप्लाई कर सकते हैं और इस आईपीओ के जरिए इंडिजीन लिमिटेड 1841 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है। ये आईपीओ खास इसलिए है क्योंकि ये कंपनी काफ़ी यूनिक सेक्टर में काम करती है और ये एक मोनोपोली कंपनी है। इसके अलावा किसी आईपीओ में बहुत दिनों बाद हमें एक अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है, और क्योंकि एक यूनिक कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है, तो इसके बारे में जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है आईपीओ के पर्पज से भी और बिजनेस स्टडी के पर्पज से भी। तो इस वीडियो में हम इंडिजीन के आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करेंगे जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें जानना जरूरी है। जैसे कि हम जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि ये एक मोनोपोली कंपनी है तो इनके कॉम्पिटिटर्स तो नहीं है, लेकिन हम इनके फाइनेंसिस को चेक करेंगे, इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं या इस आईपीओ को मैं अवॉइड करने वाला हूं, और अगर इस आईपीओ में मैं अप्लाई करता हूं तो क्या केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी यहां पर अप्लाई किया जा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिजीन लिमिटेड के बारे में और ये कंपनी क्या काम करती है ये भी जान लेते हैं। तो 1998 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, काफ़ी पुरानी और एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। और इंडिजीन लिमिटेड क्या काम करती है, तो इंडिजीन लिमिटेड जो है वो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाइफ साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री को, और जो डिजिटल सर्विसेज ये उन कंपनीज को प्रोवाइड करती है वो उन्हें हेल्प करती है ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी सबमिशंस, फार्माको विजिलेंस, कंप्लेंट मैनेजमेंट, एंड उसके अलावा ये कंपनी उनको सेल्स एंड मार्केटिंग सर्विस भी देती है। कंपनी जो भी सर्विसेज देती है उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि एंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशंस, ओमनी चैनल एक्टिवेशन, एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशंस, एंटरप्राइज क्लिनिकल सॉल्यूशंस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। एज ऑफ December 31, 2023 कंपनी के पास 65 एक्टिव क्लाइंट्स हैं जिनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब आइए जान लेते हैं इंडिजीन के आईपीओ जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 6 मई से लेकर 8 मई के बीच में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, और इसका जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो 9 मई है, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 13 मई को हो सकती है। प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा है वो है 430 रुपीज़ टू 452 रुपीज़ पर शेयर का, और 33 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट होगा। आईपीओ का इशू साइज है 1841 करोड़ का, जिसमें से 760 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, यानी कि यहाँ पर नए शेयर्स जारी किए जा रहे हैं, और बाकी जो शेयर्स हैं 1081 करोड़ के वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो ऑलरेडी कंपनी के मालिक हैं, प्रमोटर्स हैं, वो अपना हिस्सा यहाँ पर 1081 करोड़ का बेच रहे हैं। यहाँ पर फ्रेश इशू के कंपैरिजन में ऑफर फॉर सेल का जो पोर्शन है वो ज़्यादा है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो QIB के लिए मैक्सिमम 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% एंड HNI के लिए मिनिमम 15% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, और स्मॉल HNI कैटेगरी में मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पर HNI कैटेगरी 15% ही है, तो स्मॉल HNI कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब कितने लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 1 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट की जो प्राइस होगी वो है 14,916 रुपीज़ की, और 13 लॉट्स की प्राइस होगी 1,93,908 रुपीज़ की। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट्स और मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बिग HNI को मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब आइए जल्दी से इंडिजीन के फाइनेंसेस को भी चेक कर लेते हैं ताकि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में भी हमें पता चल सके। अब अगर फाइनेंसेस की बात करें तो हमारे पास अभी 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक का इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा है। अगर आप इसके टोटल एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नजर डालेंगे तो आपको यहां पर एक कंसिस्टेंट और स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2022 के मुकाबले 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 39.85% बढ़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63.43% बढ़ा है। अगर आप इसके नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस पे नजर डालेंगे तो वो भी साल दर साल इंक्रीज हुए हैं, और साथ में कंपनी की थोड़ी थोड़ी बोरिंग भी बढ़ी है, लेकिन ये बोरिंग इतनी ज़्यादा नहीं है कि कंपनी को परेशानी हो सके और वो कभी भी इस बोरिंग को चुका सकती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो इंडिजीन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,814 करोड़ का, और इसका जो पी है वो 33.53 है,
अर्निंग पर शेयर है 13.48 रुपीस का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 18.23% का एंड डेट टू इक्विटी केवल 0.3 है। आपको ये याद रखना है कि अगर डेट टू इक्विटी एक से ज़्यादा हो तो वो थोड़ी सी चिंता की बात होती है। और इसके अलावा अगर हम पैट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन की बात करें, तो यहाँ पर 12.62% है, जो कि काफ़ी अच्छा मार्जिन है। इस कंपनी की कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए कंपनी वर्चुअल मोनोपोली एंजॉय करती है। अगर हम इस IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी क्यों इस IPO को लेकर आई है, तो पहले तो रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ जो डेट है उसको वो पे करना चाहती है, जो डेट इनकी सब्सिडरीज ने लिया हुआ है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर के फंडिंग को भी ये करना चाहती हैं एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इस IPO को ये कंपनी लेकर आ रही है। अब अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 247 रुपीज़ पर शेयर है, जो इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस को 699 रुपीज़ बना देता है। मतलब अलॉटमेंट मिलने पर यहाँ पर करीब 54.65% का गेन हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगातार चेंज होता रहता है, सो लेटेस्ट ग्रे मार्केट अपडेट के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली मैं इस IPO की और बाकी सभी IPOs की अपडेट देता रहता हूं। इसके अलावा अगर आपके पास या आपकी फैमिली में इसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब मेन बात कर लेते हैं कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या इस IPO को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स रख देता हूँ, उसके बाद हमें डिसाइड करने में आसानी होगी कि क्या इस IPO में हमें पैसा लगाना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि कंपनी काफ़ी यूनिक प्लेयर है अपने सेक्टर में और ये कई कंपनीज की सर्विसेज को डिजिटलाइज करने में हेल्प करती है, उनके रिसर्च में हेल्प करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी एक वर्चुअल मोनोपोली है, इसके फाइनेंसिस भी काफ़ी स्टेडी हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी पर डेट भी ज़्यादा नहीं है। अगर हम फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात भी करते हैं तो इस कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी काफ़ी ब्राइट हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इस समय काफ़ी अच्छा चल रहा है, 50% से ऊपर है और IPO भी रीजनेबली प्राइस्ड है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो वैसे तो हर IPO में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इस IPO में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिखे हैं। केवल यही है कि यहाँ पर जो ऑफर फॉर सेल का पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो अगर मुझे निकालना पड़े तो मैं एक नेगेटिव पॉइंट निकाल रहा हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ये कंपनी डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो में रखने लायक कंपनी है, इसलिए दोस्तों मैं इस IPO में ज़रूर अप्लाई करूंगा और मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है। और किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जानना ये भी ज़रूरी है कि एंकर बुक के थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो इस IPO में एंकर इन्वेस्टर्स ने 549 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। क्योंकि ये कंपनी काफ़ी यूनिक है, एक मोनोपोली कंपनी है, तो इसके आगे चलकर मल्टीबैगर बनने के भी काफ़ी ब्राइट चांस है, इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी के स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये केवल मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं या इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों खुद रिसर्च करने के बाद ही ये आपको डिसीजन लेना चाहिए। और दोस्तों आपको क्या लगता है इस IPO के बारे में कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी IPO के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।